हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो प्रोस्पेक्ट जो ऑब्जेक्शन देते हैं, उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर में आपको 5-step फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मैं यूज करता हूँ, जिसको मेरी टीम यूज करती है अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए। अगर आपने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया तो आई एम 100% श्योर आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को ना आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो इस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस 5-step फॉर्मूला के बारे में। सो 5-step फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, बहुत तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। अलग अलग प्रोस्पेक्ट आपसे अलग अलग तरह का ऑब्जेक्शन करेगा। कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शंस होते हैं बस, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होते प्रोस्पेक्ट के। ठीक है, और देखो, जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को, जब आप कोई प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हो और उस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने आपका पूरा प्रेजेंटेशन को देखा है। ठीक है, और अगर कोई प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा आफ्टर वेबिनार, तो आप ये समझ लेना कि उसने प्रेजेंटेशन को पूरा नहीं देखा, या तो उसने आधा देखा है, जिसके वजह से उसके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देखा हो और उसका कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसने पूरा वेबिनार नहीं देखा, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा, इसीलिए उसके पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन देता है तो आप एक चीज माइंड में बैठा लेना, वो ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा कारण बन सकता है उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने का, अगर आपने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सीख लिया। ठीक है, और एक दूसरी चीज आप अच्छे से समझो कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को ना हम हैंडल नहीं कर पाते, तो वही ऑब्जेक्शन आपके लिए रिजेक्शन बन जाती है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 5-step फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना दो तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपके सीनियर ने आपको कुछ और बताया हो, बट मैंने जो एब्जॉर्ब किया है इस बिजनेस में कि यार दो तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। एक ऑब्जेक्शन जिसे मैं बोलता हूँ वैलिड ऑब्जेक्शन, और एक दूसरा ऑब्जेक्शन होता है जिसे मैं बोलता हूँ इनवैलिड ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिड ऑब्जेक्शन की। अब ये वैलिड ऑब्जेक्शन क्या होता है? देखो, वैलिड ऑब्जेक्शन उस ऑब्जेक्शन को मैं बोलता हूँ जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सपोर्ट मांग रहा होता है, उसको अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है। अब ये कौन कौन से सवाल है जिसे मैं वैलिड ऑब्जेक्शन बोलता हूँ? सबसे पहला, अगर आपसे कोई ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है यार प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, अगर कोई आपको ये बोल रहा है यार कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कोई बोल रहा है चैन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है, कोई बोल रहा है बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तुमने कितना कमा लिया, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसे मैं बोलता हूँ वैलिड ऑब्जेक्शन। क्योंकि अगर आपने इस सवाल का जवाब, अगर आपने इस वैलिड सवाल का जवाब अगर आपने सही सही प्रोस्पेक्ट को डिलीवर कर दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सामने वाला ना आपके साथ ज्वाइन ना करे। होता क्या है, हमें अच्छे से जवाब देना आता नहीं कि किस तरीके से हमें जवाब देना है। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। अगर आपने इन सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दिया तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं इनवैलिड ऑब्जेक्शन के बारे में। अब ये इनवैलिड ऑब्जेक्शन एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसे मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बोलता, ये एक प्रोस्पेक्ट का एक बहाना होता है इस बिजनेस को ज्वाइन ना करने का। होता है क्या, प्रोस्पेक्ट ना हमें डायरेक्टली नो नहीं बोल पाता है ना, तो तरह तरह के ऑब्जेक्शन देता है जिसे मैं बोलता हूँ इनवैलिड ऑब्जेक्शन। अब ये कौन कौन से इनवैलिड ऑब्जेक्शन है, अगर कोई आपसे बोल रहा है पैसा नहीं है, ठीक है, ये भी एक इनवैलिड ऑब्जेक्शन है। कोई बोल रहा समय नहीं है, पापा नहीं मान रहे, सोच के बताऊंगा, घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, ठीक है, एक महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, दो महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मेरे चाचा ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, ये जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, ये सारा का सारा ऑब्जेक्शन एक बहाना है, ये कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई अगर बोल रहा है पैसा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। कोई बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। लोगों के पास समय भी होता है, लोगों के पास पैसा भी होता है, अदर जगहों में फालतू चीजों में लोग पैसे वेस्ट कर देते हैं, फालतू चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं, बट एक जब बिजनेस ज्वाइन करने का टाइम आता है ना, तो उनके पास बहाने आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप ये कभी भी एक्सेप्ट मत करना, कभी भी ये मत मानना कि लोगों के पास पैसा नहीं है, समय नहीं है। लोगों के पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, बस निकलवाने आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको वैलिड ऑब्जेक्शन और इनवैलिड ऑब्जेक्शन के बारे में
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5-step formula के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ ना, इस स्टेप के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्शन को, चाहे सामने वाला वैलिड ऑब्जेक्शन दे रहे हो, चाहे सामने वाला इनवैलिड ऑब्जेक्शन आपसे कर रहा है, आप ये दोनों तरह के ऑब्जेक्शन को आप इस 5 step के थ्रू आप इजी वे में हैंडल कर लोगे और सामने वाला ना आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अब जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, वो है एग्री प्लस आस्क क्वेश्चन। एग्री प्लस आस्क क्वेश्चन, कभी भी प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो सबसे पहले उसकी बातों से ना आपको एग्री करना है, ठीक है, कि आप जैसा बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप जैसा बोल रहे हो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। फिर आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन कर सकते हो कि यार ब्रदर या सिस्टर, आप या सामने वाला का जो भी नाम हो, आप नाम ले सकते हो, आप उससे पूछो कि यार आप दिल से बताओ आपको ये बिजनेस कैसा लगा, दिल से बताओ आपको ये बिजनेस कैसा लगा। तो सबसे पहला स्टेप में आपको एग्री प्लस एक क्वेश्चन करनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा जो हमारा स्टेप है प्रॉब्लम और एक्सक्यूज, आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आप जो ये बता रहे हो क्या एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, या फिर आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, या फिर आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उन्हें सीट दे दूंगा। तो आप मेरे को बताओ सच में ये प्रॉब्लम है या फिर आप बहाना बना रहे हो, आपको ये सवाल आपको पूछनी है। ये सेम लाइन आपको अपने प्रोस्पेक्ट को चिपकानी है। अगर आपने ये लाइन सेम सामने वाले से कर ली तो अब आपको सामने वाला ना जवाब देगा कि हाँ सर मेरे को ये बिजनेस को ज्वाइन करना है, तब तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर बोलता है नहीं सर मेरे को बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बचेगा, उसको आप वहीं पे छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सामने वाला बोल रहा है कि हाँ सर मेरा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डेफिनेटली इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको दो बार आपसे प्रोस्पेक्ट से कंफर्मेशन लेनी है कि सही बात है ना आपको ये बिजनेस ज्वाइन करनी है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सर करनी है, पक्की बात है ना आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, हाँ सर बिल्कुल ज्वाइन करना है, बट मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर प्रोस्पेक्ट अगर आपको दो बार कंफर्मेशन दे दिया, इसका मतलब एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। आई होप आपको ये 3 step अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बताया एग्री प्लस आस्क क्वेश्चन, दूसरा मैंने बताया प्रॉब्लम और एक्सक्यूज के बारे में पूछना है प्रोस्पेक्ट से, और तीसरा मैंने बताया दो बार आपको कंफर्मेशन लेनी है कि वो एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहता है नहीं स्टार्ट करना चाहता, राइट। अब जो हमारा चौथा स्टेप है जिसे मैं बोलता हूँ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे पूरे सेल्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, लेट सपोज अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये बोल रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इस टेक्निक को कैसे यूज करोगे, आप ये बोलोगे कि यार जब मैंने इस बिजनेस को समझा था ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने पैसे को अरेंज किया था दूसरे दिन ही और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि अब आपको रीजन देना आपने क्या पाया, ठीक है, फील फेल्ड फाउंड मतलब पाया आपने क्या पाया, आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे लोग कम एज में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा ना तो इन फ्यूचर मैं भी बहुत अच्छा यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसीलिए यार मैंने ना इस बिजनेस को स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को मार्केट में कोई भी ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता था, और एक्चुअल में ऑप्शन भी नहीं है ब्रदर, इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आपको फील फेल्ट फाउंड टेक्निक को यूज करना है। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा 5वां step आता है उसे मैं बोलता हूँ पर्सनल एश्योरेंस देना। ये पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया और लास्ट में अगर आपने पर्सनल एश्योरेंस नहीं दिया तो भी सामने वाला ना आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको पर्सनल एश्योरेंस देना है। कैसे दे सकते हो, आप ये बोलोगे कि ब्रदर जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, आप भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, मेरे मेंटोर आपको गाइड करेंगे, ठीक है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आप इस बिजनेस में जो भी चीज सोच कर आए थे कि आपको पैसे कमाने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी ब्रदर, ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, तो आप स्टार्ट करो, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, तो आप स्टार्ट करो, मिलकर हम फिर ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपको पर्सनल एश्योरेंस, पर्सनल सपोर्ट देना है, तब जाकर सामने वाला जो है आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी, आपको ये समझ आ गया होगा कि कितने तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं और इन सभी ऑब्जेक्शन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप इस 5 स्टेप के थ्रू आप समझ गए होंगे, राइट। तो इस आप स्टेप को यूज करो, अगर आपने इस स्टेप को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आई एम 100% श्योर आप अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। और अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर में अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई भी सुपरवाइजर की प्लानिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। इस वीडियो पे क्लिक करके आप ये सीख सकते हो, ठीक है, कि एग्जैक्ट प्लानिंग क्या होती है सुपरवाइजर बनने का, राइट। तो आप इस वीडियो को देखो और आप अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक गुड न्यूज आपके लिए एक और है कि जितने भी मैंने जो आपको ऑब्जेक्शंस बताए हैं, ये सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर पार्टिकुलर मेरी वीडियोस आने वाली है और उस वीडियोस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। पैसा नहीं है इसके ऊपर, समय नहीं है, तुमने पैसे कितने कमा लिए, पैसा लगाना पड़ेगा क्या, जितने भी जो मेन ऑब्जेक्शन है वो सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर मेरी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।